हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने अत्यागी आज आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसका एक से दो क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। सो लेट स्टार्ट। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, किसी भी तरह की अगर हमारी लर्निंग में कोई दिक्कत आती है या किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं हम अपनी लर्निंग में, तो वो एक तरह की डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी भी परमानेंट भी हो सकती है, टेम्प्रेरी भी हो सकती है। सो अब देखते हैं हम कुछ डिसेबिलिटीज़। फर्स्ट इज़ द डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इट इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। डिसलेक्सिया क्या है कि जब हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, रीडिंग में दिक्कत होती है, तो वो होती है डिसलेक्सिया। और इसका डिसलेक्सिया का क्वेश्चन तो हमेशा ही ज़्यादातर सीटेट में मैंने देखा है कि डिसलेक्सिया का क्वेश्चन तो ज़्यादातर ही पूछा जाता है। सारी डिसेबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसलेक्सिया ही है। तो डिसलेक्सिया क्या है? हमारा रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने में जो दिक्कत आती है हमारी वो। इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू रीड, स्पेल, राइट एंड स्पीक। जब हम रीड नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, तो हम उसे अच्छे से बोल नहीं सकते, उसे हम अच्छे से लिख नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अगर हमें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है तो हमें उस चीज़ को बोलने में और लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे को पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी एक अक्षर है उसको उल्टा लिखता है, उल्टा पढ़ता है। जैसे सौ को वॉज लिख देगा और गॉड को डॉग लिख देगा। जैसे कि मैंने पिक्चर में भी दिखा रखा है कि ये रिवर्स करता है, जैसे ए बी सी है इसने उल्टा लिख दिया सी बी ए, तो उसको वो अपने ही उसका एक डिसेबिलिटी वो फेस करता है जिसमें वो सब चीज़ें रिवर्स में लिखता है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज़ अ डिसग्राफिया। जब आप ग्राफिया लिखा आएगा, जहाँ पे भी ग्राफ लिखा आएगा, तो आप समझ लेना ग्राफ से संबंधित या लिखने से संबंधित। राइटिंग डिसऑर्डर ये एक लिखने से संबंधित दिक्कत है। डिसग्राफिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स। डिसग्राफिया क्या है? एक लर्निंग में दिक्कत आती है। किस वजह से? बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, फाइन मोटर स्किल्स उसकी दिक्कत करती हैं। फाइन मोटर स्किल्स मतलब जो हमारी छोटी मसल्स होती हैं, जैसे हमारे हाथ की जो ये फिंगर्स वर्क करती हैं, तो बच्चे को क्या होगा, लिखने में प्रॉब्लम होगी। देख सकते हैं आप पिक्चर में, बच्चे ने कुछ लिखा है वो हम समझ नहीं पा रहे, तो ये एक तरह का उसको डिसग्राफिया है। नेक्स्ट इज़ द डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम। बच्चे को कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या आप कह सकते हैं कि उसको मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इन दिस अ चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स। उसको नंबर्स को समझने में दिक्कत होती है। परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसको मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती है, जैसे कि हमारा एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको उस चीज़ में भी करने में दिक्कत होती है। वो गणित में परेशानी फेस करता है, तो बच्चे को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज़ अ डिस्टोपिया, एन इमेजिनरी स्टेट ऑफ प्लेस दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन। डिस्टोपिया क्या है कि एक हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो हम एक सोच है हमारी, जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, मतलब उसको हम इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वो असली में है नहीं चीज़ें। इन विच देर इज़ अ ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक क्या कह सकते हैं उसको, एक सपना देख रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ बहुत ही बेकार हो रहा है, तो वो है डिस्टोपिया। नेक्स्ट इज़ द यूटोपिया, एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन। यूटोपिया इसका रिवर्स है। डिस्टोपिया क्या है? जब हम अपने सोच में सब कुछ बेकार देख रहे हैं। यूटोपिया क्या है? जब हम एक चीज़ इमेजिन कर रहे हैं उसमें सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो है हमारा यूटोपिया। इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डिसमोर्फिया। डिसमोर आपको एक जो भी इसमें वर्डिंग्स दिया हो उसी से आपको समझ में आ जाएगा वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है या किस चीज़ की वो डिसेबिलिटी है। डिसमॉर्फिया इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर अ पर्सन स्पेंड्स लॉट्स ऑफ टाइम वरिंग अबाउट फ्लॉज इन देयर अपीयरेंस। मतलब जो भी इंडिविजुअल होता है वो एक अपने आप में ना बहुत अजीब अजीब सा फील करने लगता है अपनी बॉडी को लेकर, कि मैं यहाँ से मेरा वेट गेन हो गया, मेरा फेस अच्छा नहीं लगता, मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करता है अपनी बॉडी को लेके, अपने दिखने के तरीके पे लेकर, चाहे वो अपने फेस को देखकर, चाहे अपने हाथों को देखकर, बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, वो एक अजीब सा अपने लिए फील करने लगता है।
इट्स मोस्ट कॉमन इन टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स. ये किस में ज़्यादातर कॉमन होता है? टीनेजर्स में और यंग एडल्ट्स में. तो इसमें क्या होता है कि वो ये फील करता है कि उसकी जो बॉडी है उसमें, मतलब वो अपने आप को अच्छा नहीं फील करता है कि मेरा फेस में कुछ प्रॉब्लम है या फिर मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है. तो आप याद रखना, डिसमॉर्फिया में आप अपने आप के लिए गलत फील करेंगे कि हमारी जो बॉडी शेप है वो अजीब सी लगती है, तो उसमें ये आएगा. डिसफेजिया, इट इज़ अ लैंग्वेज और स्पीकिंग डिसऑर्डर. डिसफेजिया, पीएच आ रहा है बीच में, तो जो पीएच मतलब फ़ोन, आप याद रखना कि फ़ोन पीएच मतलब ये, आप याद रखना कि फ़ोन से संबंधित, यानी कि आप समझ जाना कि वो बोलने से संबंधित कोई डिसऑर्डर है. इट इज़ अ लैंग्वेज और स्पीकिंग डिसऑर्डर. ये क्या है? एक स्पीकिंग डिसऑर्डर है, बोलने में आपको दिक्कत होती है. पीपल विद डिसफेजिया हैव डिफ़िकल्टी विद वर्बल कम्युनिकेशन. जो डिसफेजिया फेस करता है उसको बोलने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. इट कैन कॉज रीडिंग स्पीच प्रॉब्लम. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी. जब आप अच्छे से भाषा को नहीं बोल पाएंगे तो उससे क्या होगा, आप पढ़ नहीं सकते हो और आप अच्छे से किसी के सामने अपना बात बता नहीं सकते हो. नेक्स्ट इज़ द डिस्प्रेक्सिया. डिस्प्रेक्सिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. किसी भी तरह का आपकी बॉडी में मूवमेंट में दिक्कत आना, मसल्स की कोऑर्डिनेशंस में प्रॉब्लम होना या बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो मूवमेंट में, तो वो इट अफेक्ट्स ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स. द पर्सन हैविंग दिस फेसेस प्रॉब्लम इन बॉडी मूवमेंट्स. तो क्या करता है ये, हमारी ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स. ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हमारी क्या होती हैं, जो बड़ी मसल्स होती हैं हाथ की, और जो फाइन मोटर स्किल होती है, मतलब बड़ी मसल, जैसे हम अपना पूरा हाथ घुमा लेते हैं तो वो एक बड़ी मसल हो गई, ग्रॉस मोटर स्किल. फाइन मतलब हम एक छोटा सा लिखने की जो प्रक्रिया होती है हमारी, उसमें फ़ाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होता है. तो उसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट्स में दिक्कत आए तो वो होता है डिस्प्रेक्सिया. नेक्स्ट इज़ द ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. तो इसके नाम से ही पता चलता है कि अटेंशन आपकी ब्रेक हो रही है. डेफिशिट, अटेंशन में डेफिशिएंसी होती है, मतलब अटेंशन आप कम दे पाते हो, हाइपर एक्टिव हो जाते हो, और ये एक तरह का डिसऑर्डर है. इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू पे अटेंशन. ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते एक पर्टिकुलर चीज़ पे, तो इसमें डेफिशिएंसी होती है हमारी अटेंशन की. सिट स्टिल एंड कंट्रोल हिज और बिहेवियर. तो क्या होता है, एक जगह बच्चा सही से बैठ नहीं पाता है, इधर उधर बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, उसको उथल पुथल मचाता रहता है, एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता है, एक जगह टिकता नहीं है, तो ये सब उसके सिम्टम्स हैं. ही शी इज़ हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव इन नेचर. बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है, मतलब एक जगह फोकस नहीं करता है बहुत ज़्यादा, तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट इज़ द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज़ द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट ब्रेन डिसऑर्डर्स कलेक्टिवली कॉल्ड ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ये क्या है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, और इसमें काफ़ी, मतलब एक ग्रुप आता है, इसमें आप बहुत सारे देख सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं. अ पर्सन फेसेस प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंट्रैक्शन विद अदर. इसमें क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो किसी से सोशली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, इसमें कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो होता है. एक इंसान अकेला रहना पसंद करता है, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, तो वो इसमें एक तरह का सिम्टम होता है. रिपीटेड एक्शंस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स. और क्या होता है, एक ही चीज़ को बार बार करता है, मतलब एक चीज़ को कंटिन्यूसली करना, बार बार करना, और इसमें आप याद रखना कि सोशल इंट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं करता है. Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.